Basically, Mausumi Chatterjee, my mother-in-law, she has alleged that I'm not looking after her daughter. I did not look after her daughter properly, and then I did not allow her and her family to visit her. तो ये सब इंग्लिश आया है अच्छा, तो थोड़ा सा बेसिकली काउंटर। अच्छा, मौसमी जी ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैं उनको आने नहीं देता था यहाँ पे पायल को देखने के लिए, फिर उनका देखभाल ठीक से नहीं करता था जब वो बीमार थी लास्ट 3 साल, फिर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाए कि मैं नर्सेस को ट्रेन नर्सेस नहीं रखा और नर्सेस को पैसा वगैरह नहीं देता था, और फिर उन्होंने 24 नवंबर 2017 से लेके आज तक, सॉरी, तो 24 नवंबर 2018 से लेके अभी तक वेरियस प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न में वो इंटरव्यू देते आ रहे हैं कि यही इल्ज़ाम बार बार दोहरा दे रहे हैं, एंड लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरा फैमिली का अगेंस्ट में एक्शन लेंगे ये सब ना करने के लिए। मेरा एक ही चीज़ कहना है, दुनिया को मालूम है जो पायल का दोस्त है, कलीग्स है फ्रॉम डिज्नी या सोनी जहाँ पे वो काम करती थी पहले फॉर द लास्ट 21 ईयर्स, सबको मालूम है मैंने कैसे देखा। फिर 24 नवंबर जब उन्होंने हाईकोर्ट में केस डाला था, 26 नवंबर एक ही दिन में विद माय ऑल द एविडेंसेस, जो भी एविडेंसेस मैं रखा था कोर्ट में, एक ही दिन में मेरा फेवर में दिया गया। मैं इसीलिए कहता हूँ मेरा फेवर में क्योंकि मेरा एक ही मुद्दा था कि मेरा वाइफ मेरे पास रहे ताकि मैं देखभाल कर सकूँ, एंड इट इज़ क्लियरली रिटन, मैं जो भी बोल रहा हूँ विथ ऑल एविडेंस, इट इज़ क्लियरली रिटन ऑन द थर्ड पॉइंट फ्रॉम द हाईकोर्ट ऑर्डर दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 3, शी द डॉटर विक्टिम इज द डॉटर ऑफ पिटिशनर एंड वाइफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 3, शी इज एट रेसिडेंस ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 3 एंड मटीरियल ऑन रिकॉर्ड्स, आई रिपीट, मटीरियल ऑन रिकॉर्ड्स शोज दैट शी हैज बीन लुक्ड आफ्टर देयर प्रॉपरली। एंड सेकेंडली, पॉइंट नंबर 4, इन द एफिडेविट रेस्पोंडेंट नंबर 3 हैज स्टेटेड दैट ही हैज नेवर ऑब्स्ट्रैक्टेड द पिटिशनर फ्रॉम विजिटिंग देयर डॉटर एंड ही हैज ऑल्सो गिवन द फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ विजिट्स। ही हैज ऑल्सो स्टेटेड दैट वीडियो फुटेज ऑफ सीसीटीवी कैन बी परस्यूड टू फाइंड आउट द करेक्टनेस। नाउ अभी क्या है, इतना सारा मौसमी जी को मालूम था कि मेरा घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, इसीलिए लगा हुआ था ताकि नर्सेस जो पेशेंट को देख रहे थे उसको मैं अगर बाहर जाता हूँ तो उसका देखभाल कर सकूँ। इट ओनली केम एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्यों उन्होंने केस किया, उनको अच्छी तरह से मालूम था कि वो खुद उतना अच्छा देखभाल नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अर वो फिल्म लाइन से हैं, इधर उधर जाना पड़ता था। मैंने एज ए हस्बैंड, बिकॉज मैंने लव मैरिज किया था, जितना मेरे से हो सकता था उससे शायद मैंने ज़्यादा किया, ये डॉक्टर लोगों का कहना है। 8 डॉक्टर उनको देखते थे, सभी का एक ही कहना था, आई हैव, हम ना हम लोगों ने आप ही को ही सिर्फ देखा लास्ट 3 साल में, आपका पेशेंट को लेके भागते हुए इधर उधर, ये टेस्ट ये वगैरह कंसल्ट करते हुए। उनका मम्मी कहाँ थी, उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि मैं देख नहीं रहा हूँ। आप तो मम्मी हो, माँ, आपने तो 9.5 महीना पेट में भी रखा था, तो 3 साल में जब पायल का पहला ब्रेन हैमरेज हुआ था वो भी 12 सेंटीमीटर का, आप ऑपरेशन से पहले छोड़ के जो चले गए थे, आप आ, आ, 3 दिन बाद आप आए देखने के लिए, क्यों? आप तो बहुत बहुत बड़ी माँ हैं। वो छोड़ो, पूरा हॉस्पिटल का अगर सीसीटीवी आज 3 साल में जितना बार भी गए हैं वो अगर लगाते हो, सब अगर देखते हो, मेरा कंट्रीब्यूशन टू माय वाइफ सी दैट, और उन्होंने कितना बार विजिट लगाए हैं,
मैंने तो 24 24 घंटे करके 7 महीना बिता दिया हॉस्पिटल में पहला बार। इसके बाद वेरियस अदर टाइम्स छोटा छोटा जो इन्फेक्शन के लिए जब 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 जाते थे, और इसके बाद दो चार सर्जरी भी हुआ था। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दिया। 59 दिन 59 दिन रहे हॉस्पिटल में, आईसीयू में, बेड नंबर 10 वेस्ट 7 पीडी हिंदुजा। उन्होंने सिर्फ 5 बार 5 से 7 मिनट के लिए आके अपनी बेटी को देख के गए, और वही बोल रहे हैं कि आई डिड नॉट लुक आफ्टर हर डॉटर। मैं रिगार्डिंग उनका जो विजिट के बारे में, 15 से 20 दिन में एक एक बार आते थे, हर एक चीज का फुटेज जो मेरा कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था, या अभी तो ये नहीं कर रहे हैं, बट सब अगर मिलाते हैं, आप देख लो घर में जो 2 साल थी, करीबन 2 साल, उसमें उन्होंने कितना विजिट किया। जब हाई कोर्ट ने मेरा फेवर में दिया ऑर्डर, तो उनका टैक्टिक्स ही बदल गया। यहाँ आके रात रात जब आते थे तो वही आधा घंटा या 20 मिनट के लिए आते थे, नर्सेस को परेशान, चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करके परेशान करके चले जाते थे। रात को 9:30 बजे पुलिस को यहाँ से फ़ोन करते हैं कि मेरे नर्स ने ये कहा, नर्स ने वो कर दिया, मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए। एक ऐसा मतलब इंसिडेंट भी है कि एक नर्स के साथ वो झगड़ा करके वो पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा है यहाँ पे खड़ा होके। वो कहा, जस्ट बिकॉज यू आर सेलिब्रिटी डज नॉट मीन दैट आप कुछ भी बोल सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं। इतना दिन मैंने चुप रहा एक ही वजह था, बिकॉज मेरा फोकस एक ही था, मेरा बीवी से बढ़ के कोई नहीं था, और मैंने उनके लिए जितना मेरे से पॉसिबल था वो मैंने किया। नाउ कमिंग टू द फिनेंशियल पार्ट, वो बोल रहे थे उन्होंने दिया, उनका अकाउंट से दिखा सकते हैं क्या, करोड़ों रुपया में खर्चा हुआ, इट हैज क्रॉस्ड मोर ऑलमोस्ट 5 करोड़ टच किया। मैं इधर उधर से लेके, दोस्तों से मांग के, ये करके, आई यूज टू मीट दैट, मैं दिखा सकता हूँ पूरा मेरा अकाउंट्स। मैंने कोर्ट में भी दिखाया था तब 26 नवंबर को। उन्होंने तो अपना पिटीशन में उनका खर्चे के बारे में भी नहीं कहा। व्हाई डिड यू अवॉइड दैट व्हेन यू, जब आपने इतना सारा पॉइंट्स लिखा जो सब झूठ झूठ था, सब झूठ था, तो शायद एक और झूठ भी लिख सकते थे ना, वो क्यों आपने अवॉइड किया। फाइल जिस दिन हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, मैं यूएस में था ऑन ए बिजनेस ट्रिप, सेकेंड डे ही मेरा बाबा ने 2 लाख, इसके बाद नेक्स्ट डे और 2.5 लाख मेरा फैमिली से उनका पिताजी का अकाउंट में आया, ताकि बाबा ने एक ही चीज़ कहा, मेरा बहू है, मैं देखूंगा। ऑन रिकॉर्ड वो तो स्टेटमेंट में आया, वो ना नहीं कर सकते हैं, इसके बाद में आया, मैं इसके बाद पूरा कंटिन्यू किया। तो आपका कंप्लेन है कहाँ, आपका जो इतना सारा, आप सिर्फ सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा लेके आप जो इतने सारे इल्जाम लगाए, कोई और मेरा सास होता तो वो मतलब मेरा वाहवाही करता, क्योंकि जिस तरह से मैंने उनका बेटी को देख के रखा था, जो डॉक्टर ने सर्जरी से पहले, क्योंकि उसका 12 सेंटीमीटर का हेमरेज था, बोला सर्जरी मत करो, सिर्फ 1% चांसेस है, सर्जरी करेंगे, सर्जरी कंप्लीट भी शायद नहीं होगा। मेरा बीवी से पहले मेरा दोस्ती का रिलेशन था, इसके बाद मैंने शादी किया, 9 साल 10 साल का शादी का एक जोड़ जो था उसके लिए वो 1% मैं छोड़ नहीं सकता था। मैंने वो लिया 1%, उतना लिया जहाँ डॉक्टर ने कहा अगर सर्जरी हो भी जाता है तो पैरालिसिस, मेजर पैरालिसिस, जिंदगी में बात कर नहीं पाएगा, वेजिटेटिव स्टेट में रहेगा। मैंने डॉक्टर को एक ही चीज़ कहा, गोद में लेके घूमना है तो करूँगा, लेकिन सर्जरी होना चाहिए। 9.5 घंटे का सर्जरी के बाद उसका मम्मी का 3 दिन तक पता नहीं, और वहाँ से मेरा पहला जर्नी चालू हुआ। वहाँ तक चालू हुआ कि पायल
बैठ सकता था, उसका पूरा मेमोरी याद था। हाँ, बीच का जो 7.5 महीना वो कोमा में था वो नहीं था उनके पास, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ उसका मेमोरी इंटैक्ट, एज इन लाइक हम लोग वीडियो दिखाते थे, बोल नहीं पाता था पहले, सर हिला के ना करके बोलती थी। वीडियो एविडेंसेस पूरा मेरे पास है। इसके बाद खड़ा होना सिखाया हम लोगों ने, खड़ा भी किया, लास्टली बोलना भी चालू हुआ, उसका भी वीडियो एविडेंसेस है। हाँ, यस, नो, मेरा नाम पूरा नहीं ले पाता था, बट शी यूज टू ट्राई। इसके बाद इट इज माई लक, मेरा ही बदनसीबी था कि उनको नेफ्रेटिक सिंड्रोम का ये चालू हो गया बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन इन द बेड। उनका मम्मी ने सबसे हर बार यही इल्ज़ाम लगाया कि हम लोगों ने एडवांस हम लोगों ने फिजियोथेरेपी नहीं दिया। उनका पिटीशन से लेके उन्होंने 3 बार पुलिस में कंप्लेन किया, तीनों बार एक ही चीज़ लिखा, इवन आफ्टर कोर्ट का ऑर्डर के बाद। क्यों? अगर मैंने फिजियोथेरेपी नहीं दिया होता तो ना तो वो बैठ पाती थी, ना उनका मसल डेवलपमेंट होता, ना वो खड़ी होती थी, ना सर हिलाने का आ, 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 स्ट्रेंथ रहता। तो इतने सारे आप झूठी इल्जाम क्यों लगा रहे हो, वो भी पब्लिक में, और आप तो कुछ किए नहीं, जो कर रहा है उसको क्यों आप खींच रहे हो वहां से ना करे। वो साइकोलॉजी में आज तक समझ ही नहीं पाया। एंड लास्टली पायल को हम लोगों ने एडमिट किया था फॉर नेफ्रेटिक सिंड्रोम ऑन 16 अक्टूबर को 2019 में, आईसीयू में भर्ती था। दिवाली का एक हफ्ता बाद वो फिर से पुलिस खार पुलिस आ, 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 स्टेशन में कंप्लेन किया मेरा अगेंस्ट में। मेरा जो नर्सेस उसको देखते थे, जो आया दो दो नर्सेस दो दो आया देखते थे, फिर मेरा मेट और प्रीवियस जो नर्सेस थे सबका अगेंस्ट में कंप्लेन किया कि वो लोग नहीं देखते थे। ये क्यों? मेरा तो पूरा दिन आईसीयू में जाता था, आप आते नहीं थे, तो मेरे को वहाँ पुलिस ये करके अननेसेसरीली क्यों आप मेरे को वहाँ से खींच रहे हो जहाँ पे मेरा आईसीयू में ज़रूरत था 24/7, 59 days 24/7। आप वीडियो हिंदू पीटी हिंदुजा का आईसीयू का वीडियो सीसीटीवी फुटेज देख लो, उनका मम्मी 5 दिन से ज़्यादा छठा दिन नहीं दिखेगा। हम लोग सारा दिन वहाँ पे बिताते थे बिकॉज दे आर डॉक्टर इन्वॉल्व था वहाँ पे फॉर वेरियस न्यूरो सर्जरी से लेके न्यूरोलॉजी, फिर पल्मोनोलॉजिस्ट, फिर इम्पोर्टेंटली नेफ्रोलॉजिस्ट, जिसके लिए हम लोगों ने उनको भर्ती किया था। तो ये सब क्यों? आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपका कोई फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आपका कोई साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल सपोर्ट नहीं है टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ दैट। आपका कोई इमोशनल शायद अटैचमेंट है कि नहीं वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम था, क्योंकि किसी राइटर ने किसी जर्नलिस्ट ने लिखा कि इमोशन और मॉर्निंग ये अपना अपना तरीके से होता है, बट वो मैं नहीं मानने वाला हूँ। अगर आपका बेटी जिसको आपने सारे 9 महीना रखे हो पेट में, उसको 59 दिन में आप सिर्फ 5 ही दिन देखने जा रहे हो, नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ सेप्सिस, इतना दिन आईसीयू में था, तो क्रॉस इन्फेक्शन होता है, एक के बाद लास्ट 20-25 दिन में उनका डिटोरिएट होता गया, जिसके लिए ले गया, वो तो ऑलमोस्ट क्योर हो गया था, बट बिकॉज ऑफ सेप्सिस शी इज नो मोर। खराब यही लग रहा है कि जिसके लिए वो बेड रिडन था उसका पूरा ऑलमोस्ट 65 to 70% क्योर हो गया था। इट इज़ ऑन सर्टिफाइड बाय द डॉक्टर्स फ्रॉम हिंदुजा जो उनको देखते थे, फ्रॉम कोमा टू आउट ऑफ कोमा एंड देन मिनिमल कॉन्शियस स्टेट, ये तीनों सर्टिफिकेट्स मेरे पास है। तो इतना सारा अगर किए हैं तो आप
as Mousumi Chatterjee, as a celebrity, as a mother, whatever your contacts, whatever your aura in the society, उसका एडवांटेज लेके मेरे को क्यों, जब ये कर रहा था आप मेरे को क्यों बंद करने का कोशिश कर रहे थे विद ऑल अननेसेसरी एलिगेशंस. जितना भी पॉइंट था उसका सब हाईकोर्ट ने कवर करके दिया. तो यही है. सर, कभी सर आपने उनसे पूछा कि ये सब चीजें क्यों कर रही हैं? उनसे कभी आप बात करोगे ना, अपार्ट फ्रॉम उनका असलियत का ये मालूम पड़ेगा. कोई भी चीज़ एक टाइम में ना मैं छोड़ दिया था, इसीलिए हाईकोर्ट का जब केस मेरा फेवर में दे दिया था ना, उनको कुछ बोल कहने का और रास्ता नहीं था. उन्होंने क्या किया, पूरा टैक्टिक्स ही बदल दिया. नर्सेस के सामने चिल्लाने लग गए. फिर मेघा, एक 38 साल का उनका छोटी बेटी, 38 साल का एक औरत जिसको मतलब इतना मैच्योरिटी होना चाहिए कि एक कोमाटोस पेशेंट को प्रसाद खिलाना नहीं चाहिए, साबूदाना केले का किशन जी का ये इतना सारा डाल दिए. मेरे को 3.5 घंटा लगा उसको निकालने में के लिए, और वो भी किया. एक डॉक्टर तक वहाँ पे था, एक फैमिली ये वहाँ पे था. चलो वो इंसिडेंट मैंने गलती हो गया शायद. इसके बाद बावजूद मौसमी जी ने आके खाना खिला रहा है. अरे उनको मालूम है कैमरा उधर में है, पूरा एपिसोड का मैं ये दिखा सकता हूँ कैसे वो खिलाते थे. खिलाने के बाद उनको वीडियो दिखाओ तो वो चिल्ला के बोलते थे मैंने नहीं खिलाया. अरे खुद वीडियो देख के जो ना बोल रहे हैं और क्या बोलूँ. उनसे बात करना तो बेकार था ना, बिकॉज बात करोगे मेरा बीपी बढ़ जाएगा तो मैं अपना बीवी को देख नहीं पाऊंगा. सो इसीलिए मैंने इतना दिन, जो लास्ट 1.5 साल से जो उन्होंने मेरे को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, चुप एक ही बात का था मैं कि मेरा बीवी को वहाँ से जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोई ये ना आए. देखा मैंने, देखा चाहे किसी भी मतलब कोई फैमिली, उनका फैमिली मेंबर्स को भी आप पूछेंगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे देखा है. नहीं, डिफेमेशन तो मैं करूंगा. अभी क्या है, मैं मणिपुरी हूँ एंड बाय एज अ बंगाली गर्ल. मेरा 40 दिन का एक हम लोग का पूरा ये है, हाँ प्रोसेस है. इसमें सिर्फ श्राद्ध ही खत्म हुआ, अभी भी वैष्णव लोगों को खिलाना ये करना, फिर अभी भी पिंडदान का बहुत सारा ये बाकी है. तो वो 40वां दिन में ख़त्म होता है और इसके बाद मैं त्रिवेणी में जाके उनका जो अस्थिया है वो विसर्जन करूँगा. त्रिवेणी इसीलिए क्योंकि वहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है. प्यार बहुत किया था, आज भी करता हूँ, शायद ज़िंदगी भर करूँगा. इसीलिए उसका मतलब एक अच्छा जगह में, बहुत सिर्फ गंगा में देते हैं. मेरा सोच ये है कि वहाँ देने से वो शांति में रहेगी इसीलिए. बट एक बार आऊँगा इसके बाद, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी अपार्ट फ्रॉम वॉर डिफेमेशन फाइल सूट करना, क्योंकि इतना दिन मैंने सुना है. अभी मेरे को, क्योंकि वो मेरा फैमिली तक चला गया, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा फैमिली का अगेंस्ट में वो ना देखने का ये कर रहा है. अरे मेरा फैमिली तो, मेरा बाबा, मेरा अंकल सब पैसा दे के उनको ये करके रखा था, तो इतना बड़ा वो मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं. करने दो ना उनको, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है. उनको वो कर सकते हैं. मैंने उतना शिद्दत से मैं बोलता हूँ, मैं अपना बीवी को देख के रखा, रेगुलर डॉक्टर. मैं सिर्फ हिंदुजा का ये नहीं लिया. वो जो कहते हैं ना कि घर में जब था तो डॉक्टर को नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम जो लगाया. यहाँ पे कम से कम 16 डॉक्टर का, वेरियस डॉक्टर्स का पूरा सर्टिफाइड ये है, प्रेस्क्रिप्शन है, जब जब घर पे था. फ्रॉम पल्मोनोलॉजिस्ट टू नेफ्रोलॉजिस्ट टू गैस्ट्रोन्टोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, फिर ऑप्थेल्मोलॉजी, क्योंकि उनको आई ड्राइनेस भी ये होता था, तो ओजास में से डॉक्टर्स आके देखते थे. और वो डॉक्टर आके देखते थे, क्योंकि लेके जाके उतना बड़ा हॉस्पिटल में पेशेंट को रखना, क्योंकि उसका ट्रैकस्टमी ट्यूब था, फिर पेग ट्यूब था खाना डालने के लिए, फिर कैथेटर था.
तो वो लोग भी 3 साल में उतना जान गए थे, मोस्टली फ्रॉम हिंदुजाज वो घर में आते थे। लीलावती का एक डॉक्टर को मैंने रिक्वेस्ट किया, फिर वो उनका हिंदुजा में जान पहचान है, तो उन्होंने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है नेफ्रोलॉजी न्यूरोलॉजी का, उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो वो भी आके घर में देखे गए। ऐसा नहीं है, चार चार हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल का मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ ओपिनियन लिया। तो क्यों ऐसा किया वो मेरे को तो नहीं मालूम है, और चाहे वो लीगल जाए, एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ, मेरा जो भी बोलना है वो सब ऑन रिकॉर्ड है। अगर सिस्टर्स जो बोल रहे हैं ट्रेन नहीं है, ये जो कॉपीज है इसमें हर घंटे का रिकॉर्ड होता है, जैसे हॉस्पिटल में होता है, बिकॉज आई हैव ट्रेन नर्सेस, कब कितना दवाई दिया है जो एज पर प्रिस्क्रिप्शन ये है, उनका स्पंजिंग, उनका फिजियोथेरेपी, उनका पानी देने का टाइम, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन एन आवरली बेसिस 24/7, क्योंकि दो नर्सेस होता था, सुबह 8 बजे से लेकर रात का 8 बजे तक, और रात का 8 बजे से लेकर सुबह का 8 बजे तक दो आयाज होते थे, 8 बजे से 8 बजे, फिर रात का 8 बजे से सुबह का 8 बजे। तो मेरा इस बीच बात करने की कोशिश की सर आपने? देखो सबसे बड़ा चीज़ है, जिस दिन पायल गुजर गया 2:30 बजे सुबह का करीबन, अनऑफिशियली शी पास्ड अवे एट 1:45 जब मैं था लास्ट, उन्होंने वो मतलब उन लोगों ने बुलाया तो सामने था, उन्होंने हाथ पकड़ के एक बार आँख खोला था, खोल के देन शी पास्ड अवे, बट ऑफिशियली उसका आधा घंटा बाद डिक्लेयर होता है ना इन हॉस्पिटल्स बिकॉज वेरियस अदर। तो तब से लेके फ़ोन किया, मेरा फ़ोन का स्क्रीनशॉट भी मैंने लेके रखे हैं, उनका पिताजी को 4 बार किया, उनका बहन को किया, उनका माँ को किया, किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो उस दिन शी वॉज क्रिटिकल, तो मैंने रिश्ते में वो अपना भाभी लगती है, एंड पायल्स प्रोबेबली बेस्ट फ्रेंड कॉल्ड निशिता बावरेकर वो भी था, तो उन्होंने फ़ोन किया तो उठाया, तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, वो भी उनका फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, आजकल तो फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो ही जाता है। तो एक माँ अगर वो बोल सकता है, फिर भी मैंने सुबह रिक्वेस्ट किया, SMS डाला, देन मेघा जो उनका छोटी बेटी है वो मेरे को लिख के भेजती है कि अब जो भी करना है यू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, देन व्हाट डू आई डू। एक डेड बॉडी को, आई यूज दिस टर्म, पायल को और या कोई भी ICU में जब दे पास आउट 4 घंटे से नहीं रखते हैं, वहाँ 8 घंटा 7.5 hours to 8 hours मैंने रखवाया ऑन रिक्वेस्ट, क्योंकि उन लोग जो हिंदुजा वाले इतना दिन से देखा कैसा से ये किया, 8 घंटा प्लस उसको रेडी करके मोर्चरी तक ले जाने के लिए अनदर 2 hours इसलिए रुक के रखा ताकि उनका घर से कोई आए मुंह एक बार कम से कम ढकने से पहले देखे। 10.5 hours ever since she passed away कोई नहीं आया, मुझे खराब लगा एक ही चीज़ का, उसका खुद का मम्मी पापा बहन कोई भी आके नहीं देख के गया। फिर मैंने वहाँ पे रख के नेक्स्ट डे का क्रिमेशन का मैंने रिक्वेस्ट ये किया, उन लोग देख के कुछ नहीं कहा। हाँ, बट वन थिंग, इवन दो मौसमी डिड नॉट कम, पायल्स डैड एंड मेगा दे केम, दैट इज व्हाट आई रिस्पेक्ट, एटलीस्ट दे केम, बट मौसमी जी नहीं आए। क्यों नहीं आए आई डोंट नो, आज उनको शायद ये नहीं लगेगा, एक मूक अग्नि उनका खुद का बेटी का, वो उसके बाद वो शी इज़ इन टू एशेस, वो आज नहीं रियलाइज कर रहे, आज उनके लिए ईगो बहुत बड़ा था शायद, ना तो फाइल को देखने के लिए आया था, ना जब लास्ट अंतिम बार जो ये है उसके लिए भी नहीं आया, रियलाइज आज नहीं करेंगे और 5 साल बाद एक बार जब रियलाइज करेंगे, वो सारा जिंदगी भर वो रियलाइजेशन में उनको ये होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे चिच्चा है जो भी है उनका बेटी है। तो एनीवे मुझे खराब लगा इसीलिए, पायल जाते जाते उसका मम्मी का चेहरा नहीं देख पाया। हाँ, उसका पिताजी जाते थे ऑन एंड ऑफ टू द हॉस्पिटल, उनका बहन हफ्ते में एटलीस्ट एक बार जाते थे, 5 मिनट के लिए भी हो,
बट दे वेंट टू द हॉस्पिटल. तो आई डोंट नो. हाँ, उनको केस करना है, करने दीजिए, लड़ेंगे ना. आई हैव नथिंग टू फियर. मुझे कुछ छुपाना ही नहीं है. जब उन्होंने 24 नवंबर को किया था, मेरे को तो एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ा ही नहीं. मैं सिर्फ बैंक स्टेटमेंट, जितना खर्चा हुआ, जो सीसीटीवी का फुटेज है वो, और वॉट एवर देयर एलिगेशंस वे, वो लेके डाल दिया. जज ने देखा. हाईकोर्ट का शायद हिस्ट्री में ही ऐसा है कि एक ही दिन में वो मेरा फेवर में आया. एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड, बिकॉज वो कोर्ट में दौड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि माय वाइफ वाज इलिंग हियर. इसके बाद वो इंटरव्यू, अरे वो ठीक है, बट व्हाई, व्हेन समवन इज डूइंग समथिंग गुड फॉर योर डॉटर, द एंटायर सोसाइटी नोज अबाउट इट. तुम बाकी, हाँ, सो योर सोसाइटी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ इवन 1% ऑफ द पॉपुलेशन. बाकी सबको क्या ये मिलता है? जिसमें उनका एलिगेशन, हर एक एलिगेशन के खिलाफ जज ने ऑर्डर पास किया था, जहां पे क्लियरली लिखा है एट पॉइंट नंबर 3, इट अपीयर्स एट दिस स्टेज दे आर कंसर्न्ड विद द वेलबींग ऑफ द विक्टिम हु इज इन कोमाटोस कंडीशन. विक्टिम इज द डॉटर ऑफ पिटिशनर एंड वाइफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 3. रेस्पोंडेंट नंबर 3 इज मी. She is at the residence of respondent number 3 and material on records, I repeat, material on records shows that she has been looked at there properly. अगर point number 4 में भी आते हैं, उन्होंने सारा दुनिया को बताया कि मैं आने नहीं देता हूँ. हजारों, not एक, 200, मेरा 2 साल का पूरा recording है जब file घर में पहला बार आया. पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा था? इन द एफिडेविट रेस्पोंडेंट नंबर 3 हैज स्टेटेड दैट ही हैज नेवर ऑब्स्ट्रक्टेड द पिटिशनर फ्रॉम विजिटिंग देयर डॉटर एंड ही हैज आल्सो गिवन द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ विजिट. ही आल्सो स्टेट्स दैट द वीडियो फुटेज ऑफ सीसीटीवी कैन बी परस्यूड टू फाइंड आउट द करेक्टनेस. तो कोई भी चीज, मतलब हवा में आप बोल दोगे कि बिकॉज यू आर अ सेलिब्रिटी एंड द होल नेशन इज गोइंग टू बिलीव यू. नो, एट दैट टाइम आई वॉज साइलेंट. मैं चुप था सिर्फ मेरा बीवी के लिए. उस टाइम दुनिया का कोई भी चीज़ मेरे को अब मेरा मोटिव से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना कर पाया. 3 साल मैं अपनी मम्मी पापा को देखने के लिए घर नहीं गया. जो मेरा छोटी बहन जब पहला बार पायल हॉस्पिटल में था, 7.5 महीना, उसमें से जो 6 महीना सिर्फ पायल के लिए बिता के गई यहाँ हॉस्पिटल और घर करके, उसका जब शादी हुआ, शादी में मैं जा नहीं पाया. क्योंकि चाहे वो मेरा बहन हो, जो भी हो, मेरा फैमिली हो, पायल बीमार थी, वो मेरा प्रायोरिटी था और पूरा मेरा फैमिली ने सपोर्ट किया. थैंक यू सर.